ये कहानी है मेघा भार्गव की, एक ऐसी लड़की जिसे जिंदगी ने सब कुछ दिया, लेकिन उसको मालूम है कि उसकी महफूज दुनिया के बाहर एक ऐसा भारत है जिसके बारे में वो बहुत कम जानती है। इसीलिए वो चल पड़ी है बड़ी जोश से उसी भारत को महसूस करने और हो सके तो अपनाने। उसके साथ चल पड़े हैं कैमरामैन राहुल सिक्का, साउंड रिकॉर्डिस्ट चारुलता दास गुप्ता, प्रोडक्शन मैनेजर फैजल रशीद, स्पॉट बॉय कैप्टन और पांडुरंग दूसरों के लिए ड्राइवर मगर मेघा के लिए भाव। सुनाए हर जर्रा हमें वहाँ छाँव मिलेगी, रीत मिलेगी, रंग मिलेंगे नए। ये है फैजल, देखो यार पीछे बस आ रही है कि नहीं, जस्ट लुक आउट फॉर देम यार। हाँ मैम पीछे आ रही है, मैं देख रहा हूँ। दो मिनट यहाँ साइड में रोकना प्लीज। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार डल को अच्छी तरह देखना चाहती हूँ। क्या हुआ? चलना सिखा मेघा, हम रुक क्यों गए? यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है चारुलता। अरे मुझे भी यार, रह जाते ना प्लीज। जो सुबह सुबह डल लेक में चाय पीने का जो मजा है ना, वो कुछ और है। आप ठीक कह रही हो मेघा मैडम, अगर एक दिन और रुकेंगे ना तब शायद मन भरे। अरे मन तो तुम्हारा भर जाएगा लेकिन मेरा बटुआ खाली हो जाएगा। अरे ठीक है, दो दिन से रुके हुए हैं और क्या करना यार, एक काम करते हैं निकलते हैं अभी यार। सुनो, हम तीन लोग हैं, तुम दो, हम जीतते हैं, ठीक है, हम रहते हैं। अरे भाव भी तो है, भाव? हाँ? किसकी टीम में? हमारी या इनकी? रहना है कि आगे बढ़ना है? वैसे तो ये जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन मेघा बेबी अगर हम आगे जाएंगे ना तो अलग सी खूबसूरती दिखेगी। एब्सोल्युटली राइट, लेट्स गो। नहीं यार मेघा, अरे अभी सॉल्व करते हैं यार, निकाल सिक्का दू। हाँ मेरा लकी सिक्का, हम लोग का हेड, हाँ। इनका टेल। ठीक है चलो, टेल। बेस्ट ऑफ थ्री करते, फैसला हो गया है, लेट्स लीव। चलो और वैसे भी यार सिक्का सिक्के को फेवर करेगा ना यार। ये फालतू जोक्स मत मारेगा, ठीक है ना? पता नहीं मैम, अभी पता करता हूँ। अरे फैजल स्टॉप इट यार, व्हाइल ड्राइविंग ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? इट्स डेंजरस। सॉरी मैम, मैं तो बस आपके सवाल का जवाब दे रहा था। हाँ मेरे सवाल का जवाब बाद में भी दे सकते थे ना फैजल। जी मैम।
फैजल एक बात बताओ, तुम मेरी हर बात एक ऑर्डर की तरह क्यों लेते हो? मैम ऐसा कुछ नहीं है तो? पर मैम आपका ऑर्डर लेना तो मेरा काम है। फिर वही बात, देखो एज अ डायरेक्टर मुझे तुम्हें ऑर्डर देने होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं कहूँ वो एक ऑर्डर है। I'm also a friend, yeah. जी मैम, I mean, all right, मैम। फैजल थोड़ा रोकना, एक मिनट रोकना, आराम से। सर बात करनी है, थोड़ा आगे ले। सर आपके लिए। मैम गन्स एंड रोजेस माय फेवरेट ब्रांड। गन्स एंड रोजेस? यस। यार इतनी खूबसूरत जगह है इंडिया में, पहले मैं झक मार रहा था यहाँ पे। What a beautiful place. Faisal, side में गाड़ी रोको प्लीज। अभी रोकता हूँ। मैम हाँ, आज मेरा बर्थडे। व्हाट? पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैं तो तुम्हारी बॉस हूँ, ये सब चीजें मुझे क्यों बताओगे तुम? बाकी को बताया नहीं। गाइस आज फैजल रशीद का बर्थडे और उसने बताया भी नहीं हमें। हाँ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पहले क्यों नहीं बताया यार? बंदा पजामा है, मेरे को नहीं बताया यार। फैजल सर आपका जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू यार, पहले बताना चाहिए था ना यार, केक लेके आते। हाँ यार अपने हाथ केक कहाँ मिलेगा? तो कोई बात नहीं ना मैडम, आज कैप्टन के हाथ का स्पेशल चाय और बिस्किट से बनेगा बर्थडे। क्या बात है। और इसी बहाने बॉम्बे से लाया, अपना स्टोव भी काम आ जाएगा। बिल्कुल चलेगा मैम, इससे खूबसूरत जगह पे मेरा बर्थडे बन जाए और क्या चाहिए। लेकिन मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? मैम एक क्रिकेट का गेम हो जाता। क्रिकेट? बहुत सही हो जाएगा यार। कहाँ यार, फैजल यहाँ। मैम उधर।
शॉट, 4 रन। ओ कैप्टन, ठंड लग रही है, जल्दी लाओ चाय। आ जा यार। आ गया मैडम, बस गर्म गर्म चाय। वाह वाह यार, थैंक यू। क्या बात है यार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कमाल है यार, कैप्टन इतना प्यारा नजारा और इतनी बढ़िया चाय यार। तुम्हारा नाम कोई कैप्टन नहीं है तो असली कैप्टन है यार। थैंक यू सर। यार एक बात बोल, तेरा असली नाम कैप्टन है क्या? हाँ? नहीं मैडम। तो किशन। अरे आई एम सो सॉरी कैप्टन, मैंने कभी भी तुमसे तुम्हारा असली नाम नहीं पूछा। वो क्या है ना मैडम, मेरा जब जन्म हुआ तो मैं बहुत सांवला था, तो घर वालों ने नाम किशन रख दिया। वे कैप्टन कहाँ से आ गया यार? वो सर, मैं जब धनबाद से भागकर बॉम्बे आया ना हीरो बनने के लिए, तो सोचा कुछ अच्छा सा नाम रख लेता हूँ, तो मैंने अपना नाम कैप्टन रख लिया। ठीक है, आज से सब इन्हें किशन बुलाएंगे। नहीं मैडम, कैप्टन ही अच्छा लगता है। ओके, किशन नाम सुने मुझे खुद सालों हो गए, आप लोग मुझे कैप्टन बोल के पुकारा करो, हीरो तो बन नहीं पाया, ये नाम रह गया। ठीक है ठीक है, पता है फैजल, आज कारगिल तो नहीं पहुंच सकते, कहीं बीच में रस्ते में रहने का अरेंजमेंट कर देते। ओके। फैजल ये होटल है ना, दफ्तर है मैडम, मोड़ लो। अरे मुझे तो लगा टेंस दोबारा पिच करने पड़ेंगे। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। आई नो यार, अचानक कितने सारे होटल्स नजर आने लगे ना यार। इतनी खूबसूरत जगह है, होटल यहाँ नहीं बनाएंगे तो फिर कहाँ बनाएंगे? पता है मुझे लगता है सोनमार्ग विल बी द नेक्स्ट बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अच्छा, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। फैजल पता करो। हाँ मैं पता करता हूँ। ऊपर है क्या? हाँ ऊपर है। थैंक यू। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, लुक एट द व्यू यार। आह, कल शाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब देखो कितना साफ है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओ वाओ, लुक एट दैट, नाइस ना? वाओ, बहुत सही है यार। क्या पता 10 साल बाद ऐसा खुला नजारा देखने को ना मिले। मैम मैंने पता लगा लिया है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ना एक मार्केट है, तो हाँ वहां से शुरू करते हैं शूट। ओके आप कहाँ से हैं? श्रीनगर से आया। श्रीनगर से यहाँ तक काम करने के लिए आया यहाँ। 6 महीने बंद रहता है? 6 महीने यहाँ बंद रहता है, नवंबर से सितंबर बंद। खड़ी है ना यहाँ 20 फुट बर्फ होती है। 20 फुट? हाँ जहाँ आप खड़ी है। तो आपकी सारी दुकानें तो ये 6 महीने के लिए क्लोज होती है, नवंबर से लेकर 6 महीने से बर्फ के नीचे होता है। ये पोल है ना, इससे थोड़ा कम बर्फ इधर होता है।
तो यहाँ रहता कौन है उस टाइम? कोई नहीं, 6 महीने के लिए कौवा भी नजर नहीं आता है, हवा भी नजर नहीं आता, सब कुत्ते कौवा सब नीचे चले जाते हैं, जहाँ आदमी चले जाते वहाँ सब चले जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? टू मच ऑफ क्राउड एंड ऑल, मुझे ऐसे नहीं बात करनी है, वो बहुत भाई साहब। 1 second, 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? कहाँ से आए आप? राजस्थान से, यहाँ इतने दूर? आपका नाम? मेरा नाम फुल्ला राम है। और आपका? जवान है। आप यही काम करते हैं? तीनों हम यही काम करते हैं, पेट के लिए करना पड़ता, उधर बारिश नहीं होता है, राजस्थान में रहता ही रहता है, गर्मी बहुत है, तो उधर गर्मी से भी बच जाते हैं, भोले शंकर के दर्शन भी कर लेते हैं और थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं, क्या करें। पर आप अपने परिवार से इतना? परिवार नहीं, परिवार साथ में है। अच्छा, साथ में बच्चे, फैमिली सब साथ है। तो 6 महीने जब ये मतलब क्लोज है, हम चले जाते हैं फिर। तो आप 6 महीने यहाँ और 6 महीने वापस राजस्थान? क्या करें, कब से कर रहे हैं काम? ये हो गए 30-35 साल हो गए मेरे ये काम करते हुए। जूता पॉलिश? हाँ जी, 8-9 साल बाहर रह के आया हूँ विदेश के अंदर। आप विदेश में थे? दुबई में। 30-35 साल ये काम करते हुए हो गए। आप विदेश में क्या कर रहे हैं? उधर भी काम करते थे, बस लेबर का। कहाँ रहे आप इंडिया में? इंडिया में तो एक बॉम्बे तो नहीं देखा है, और सब कुछ देखा है। सब कुछ देख लिया आपने? बॉम्बे नहीं गई एक, बस बॉम्बे रहे हैं, एक रात गुजारा है उधर बस। हम लोग बॉम्बे से हैं। अच्छा, हाँ चलो ठीक है जी, बॉम्बे से। गांधी में क्या अच्छा लगा आपको भारत के बारे में? क्या अच्छा हमारे बारे में? कुछ भी अच्छा नहीं लगता हमको, ये हमारा कुछ नहीं बना, भारत का हम क्या करें, हमको क्या दिया भारत ने? कहाँ घर है, कहाँ हम बैठे हैं, पहाड़ों के अंदर बर्फ के अंदर बारिश होती है डेली, इधर कभी भूखा सोना पड़ जाता है, कभी पेट भर के सोते हैं, गुस्सा तो आता है, ये क्या करें अब, पर चलो ठीक है, जो ऊपर वाले ने लिख दिया मुकद्दर के अंदर ठीक ही है बस। आप बोल रहे थे कि भारत ने आपको कुछ नहीं दिया। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और आप बहुत नाराज हैं? नाराज हैं, और पढ़े लिखे 12-12, 13-13 क्लास पढ़कर भी आदमी यही काम कर रहे हैं, फिर वो नाराज नहीं है और क्या है, हमको नौकरी नहीं देते लोग, बोलते तुम छोटी कौमी के, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, यही काम करो तो यही काम करेंगे। ये लड़का 5-6 पढ़ा हुआ है, कोई काम नहीं मिला, फिर हार करके ये काम करना पड़ा, क्या करेंगे बोलो। ये जो सिचुएशन है ये बेहतर हो सकती है? अब क्या होगा मैम, अब तो कुछ नहीं होगा, जैसे है ऐसे रहेगा। अब क्या होगा, हम सोच रहे हैं अभी बच्चों का अच्छा परवरिश करें, बच्चों पढ़ाए लिखाए, अब 2 बेटी मेरी है जैसे कि पढ़ रही है राजस्थान के अंदर, तो उम्मीद तो है ना एक बेहतर कल की। बच्चों के लिए है सिर्फ, हमारे लिए नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया बात अच्छा करने के लिए, आप अपना काम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। चलो ठीक है साहब, हमको बॉम्बे में लेके जाकर फेंकोगे आप? हाँ जी, किसी बहाने से बॉम्बे हम भी पहुंच जाएंगे जरूर। कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, इंडिया के लोगों को? क्या कहें इंडिया के लोगों को, हमारे लिए क्या करेंगे इंडिया के लोग, कुछ नहीं कर सकते, ये काम अच्छा है इसी के लिए बोलेंगे। और जो सरकार है? सरकार कुछ नहीं है, सरकार सब पैसे वाले की सरकार है, हमारी कोई सरकार नहीं। किसी के पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया। हमसे मिलकर मैडम आपको पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बेहद अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
ये आपकी दुकान है जी? अंदर घर है आपका? यही रहते हैं? दो चार महीने के लिए यहाँ रहते हैं? घर है नीचे, अभी के लिए यहाँ नीचे। ये क्या करेगा साहब, ये क्या बोलते हैं? ये आवाज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। आवाज ना, ये जो कैमरा है ना यहाँ चल रहा है, इसमें रिकॉर्ड होनी है जो आप बोल रहे हैं। आपकी फोटो यहाँ से निकलती है, आवाज वहाँ से जाती है। आवाज इधर जाती है, फोटो इधर आता है जी। अच्छा, रिकॉर्ड कहाँ लेना है? ये कहाँ लेना है? ये रिकॉर्डिंग फिर कहाँ लेना है? ये जो एक शो बना रहे हैं हम, हाँ, फिल्म, फिल्म बनाए थे, टेलीविजन के लिए बना रहे, टेलीविजन के लिए जी। भारत के आम आदमियों से बात करके, हाँ, उनकी जिंदगी के बारे में, हाँ, तो वही प्रोग्राम है। ठीक, अच्छा, ये अच्छा बात है। अच्छी बात है, हाँ, अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद। कब से दुकान आपकी यहाँ? ये बहुत सालों से पहले। बहुत सालों से पहले? हाँ, 1965 से मैं सोनमर्ग में रहता हूँ, दुकान करता हूँ। से कितना बदलाव हुआ इस जगह? ओ, ये बहुत बदलाव हुआ, पहले था ही नहीं यहाँ पर कुछ भी। अच्छा, हाँ, फिर थोड़ा झोपड़ियाँ बनाई, फिर वो भी खत्म गई, फिर बनाई दुकान। बहुत बदलाव आया, बहुत। अच्छा, हाँ, मगर गवर्नमेंट नहीं करता, तवज्जो नहीं देता गवर्नमेंट इसके लिए। ये क्या होना चाहिए था? यहाँ होना था, ये डेवलप किया, इसमें उनको पता है क्या क्या होता है, किस तरीके से चलना, ये चलता है यहाँ, वो होता नहीं यहाँ, कुछ नहीं करते हैं लोग। इधर इतना गंदगी है, कहने का बात नहीं। गंदगी है? हाँ, बहुत गंदगी है। ये थोड़ा तकलीफ करके आप यहाँ से जाए, वहाँ से देखिए पीछे से कौन सा हालात है। ये नतर वहाँ से यहाँ तक होटल है, पीछे से इनको बोला, 3-4 साल बोला इनको, ड्रेन निकालो पीछे से, बस कुछ नहीं, मास नहीं करते। कोई ड्रेन नहीं निकलती, कुछ भी नहीं है, बनाया है कुछ नहीं करा है, गंदा गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत मुश्किल है यहाँ। रास्ता होना था एक गोड़ों के लिए, आते थे जाते थे, पूरा जिधर भी जाओ उधर गाड़ी लगाया, घोड़े लगाए, ग्रीनरी खराब की। पहले ग्रीनरी थी, एक ही जगह था, गोड़ों के अड़े था एक ही जगह, एक जगह से चलते थे अच्छे तरीके से। अब उधर भी लगाया एक अड़ा, उधर लगाया एक, उधर जिधर जिसको मर्जी आता उधर, जो ये इधर का ये सीनरी है इसको किया तबाही। अब हमको बोलना नहीं आता, हम बहुत बोलता था मगर बोलना नहीं आता, अब क्या बोलेगा इसके अलावा। कैसे हैं आप? जल्द आपकी आवाज लोगों तक पहुंचानी है, पर मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। जरूर, और आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए लोगों तक। चलिए, थैंक यू अलविदा। आई विश लोगों को काम की तलाश में इतना दूर आना ना पड़े यार, घर छोड़ के। राइट मैम। उस आदमी ने मुझसे कहा
भगवान आपके साथ रहे। पर भगवान मेरे साथ क्यों रहे? उनकी ज्यादा जरूरत तो उसे थी। अजीब है, कुछ ना होने के बावजूद भी ऊपर वाले पर इतना भरोसा। किधर? ये मिट्टी है, मिट्टी है। The tough terrain begins. मैम अभी तो फिर भी ठीक है, आप ये सोचिए जब बर्फ होती होगी। यहाँ से भी गिर रहे हैं पत्थर। कैसा लगा रास्ता? हालत खराब हो गई थी यार, इतना डेंजरस रास्ता था। क्या डेंजरस रास्ता था ना? यार ये देखो तो यार, क्या है ये देखो तो। दो मिनट यार, ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे निकल जाएगी गाड़ी अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। हेलो अगर तुमको बाइक चलानी है ना। हाँ मैम। हेलो, हाय। हेलो, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बैंगलोर से आ रहा हूँ। आप बैंगलोर से बाइक में आए? ऑल द वे? यस। ओह वाओ, टुडे इज आवर 10th डे। 10 10 डेज 10 डेज फ्रॉम बैंगलोर। From Bangalore. Wow. Wow, आप लोग कौन सी स्पीड पे बाइक चलाते हैं? नहीं, we went Bangalore to Chandigarh, we reached in 3 days. And from Chandigarh to Manali we took 1 day. Manali we rested. Wow. And from Manali again towards Leh we took 3 days. And today is our next 2 days. Must be very exhausting. Yeah, we live for it, so. वाह, हम भी बॉम्बे से चले। oh, really? तो हम बॉम्बे से बाय रोड कार में आ रहे हैं। Wonderful. आपका नाम? मेरा नाम श्रीहरि। 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 आप कब से कर रहे हैं ये? I am a biker since 6 years. हाँ। But late for the late thing is my first thing. I've done couple of things in the south, but nothing as difficult as this. इतना मुश्किल तो नहीं है, but Leh was amazing. Yeah? Yeah. मतलब या गिव्स यू दैट किक। या एंड हाउ इज ज़ोजिला? ज़ोजिला इज मच बेटर। ओके, आगे जाओगे ना पांग से, हाँ, बहुत मुश्किल है। अच्छा, स्पेशली फ्रॉम ले से पांग तक थोड़ा 25 किलोमीटर थोड़ा दूर उपशीत करके आएगा। हाँ। उधर तक रोड जा मस्त है। अच्छा, उपशी से आगे जो है वाट लग जाएगा। बिल्कुल रोड जैसा कुछ नहीं है, ढूंढ के निकलना पड़ेगा। आप बाइक पे ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर टू लेह क्यों आपने ये सफर क्यों किया? बाइक तो पैशन है, बाइकिंग तो पैशन है, और जब बाइकिंग पैशन बन जाता है तो डिफिकल्ट रोड्स बिकम्स अ चैलेंज, इट्स लाइक अ फेदर इन द कैप। अगर ये करके गए हो तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। डज इट हेल्प यू इन योर लाइफ? वेरी मच। हाउ? देखो, हमारा तांगलांगला करके एक पॉइंट आएगा। तांगलांगला इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हम मोटर पे जाते हैं। कारदुंगला पहला है। अभी चाइना में एक बन गया है, वो पता नहीं, हम तो नहीं कर सकते। एटलीस्ट कारदुंगला इज द हाईएस्ट मोस्ट, तांगलांगला सेकेंड। इट इज एट 17,000 feet। वहां पे बाइक पंचर हो गया। वहां पे अगर आप 10 फुट निकलोगे तो आपको सोना ही है। यू कांट ब्रीद, ऑक्सीजन इज थिन, एंड उसमें अगर आपका बाइक पंचर होता है, आपका दिमाग में क्या चलता होता है? बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो
प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें. तो बाइकिंग इज जस्ट टूल, बट जहाँ पे हम घूमते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जी जी, वेरी मच. एनीवे, आपकी आपका टीम आगे निकल गया. टीम आगे निकल गया शायद. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सी, नाइस टू मीट यू. ऑल द बेस्ट. आई डिडंट गेट योर नेम्स. मेघा. मेघा. फैजल. माय नेम इज फैजल. 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 ओके, बाय. ऑलराइट, चलो, बाय बाय. बाय बाय, सी यू. एंजॉय. थैंक यू. नाइस मैम, मेरे को भी बाइक चलानी है. फैजल, नो वे. मैम, ले में. मैम, सी कितना डेंजरस है. मैम, ले बहुत अच्छा है. No. मैम, ले में हो सकता है. मैम, नो फैजल. बुलडोजर है ना, उसके साथ रुकना जरा प्लीज. ये क्या है मैम, कौन लोग हैं? आई डोंट नो. क्या नाम है आपका? नमस्कार, बैठ जाए. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. आप कहाँ से हैं आप लोग? हाँ, झारखंड से. सबके सब? तो आप लोग इतना दूर झारखंड से यहाँ कैसे? ये हम लोग रोड का काम करने के लिए आए हैं, गवर्नमेंट का. ये रोड का जो काम है ना. जी, हम आ रहे थे और हम वही बात कर रहे थे गाड़ी में कि कौन यहाँ के ये रोड बनाते हैं. साहब, झारखंडी आता है खास करके झारखंडी. आप लोगों को इतनी दुआएं मिलती हैं. जो भी यहाँ पे उबड़ खाबड़ सड़क के बाद जब जैसे ही असली सड़क आती है ना, वो एकदम जिसमें उबड़ खाबड़ नहीं होती, आपको इतनी दुआएं मिलती हैं. आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ काम करना? सही लगता है. अच्छा लगता. क्या अच्छा लगता है काम करना? क्यों अपने देश में, अपने वापस वहाँ जाके बिहार, आप झारखंड से है ना, तो वहाँ झारखंड में काम क्यों नहीं करते अपने देश को? आदमी करता है, अभी उधर वर्षा का दिन है ना, इसलिए उधर आ जाते हैं हम लोग काम करने के लिए. उधर बराबर काम नहीं मिलता ना. क्यों नहीं मिलता? काम है ना, काम उधर बाहर तरफ, हैदराबाद सिकंदराबाद तरफ उधर बहुत अच्छा काम मिलता है. पर जहाँ तक मैं जानती हूँ, झारखंड को तो बहुत जरूरत है रोड वगैरह की. झारखंड में रोड नहीं, हम लोग को उधर काम नहीं मिलता. रोड की तरफ से नहीं, वो तो कंपनी ले लेता ना ठेका. तो कंपनी जब ठेका लेता है तो आपको काम के लिए हायर नहीं करता उधर? जी नहीं. तो वहाँ के लोकल लोग को काम नहीं मिलता क्या? लोकल सब सब घुसखोर है, उसको बात करो. सब घुसखोर हैं टोटल. यहाँ कौन रहता है? यही लेबर लोग रहता है सर. लेबर लोग रहता है वहाँ भी, लेबर रहता है. वो देखिए वहाँ, वो बोल रहे उधर छेद है आपके टेंट में. टेंट फटा हुआ है, टेंट सही नहीं है. ठीक है, आप एक्चुअली पत्थरों के ऊपर सो रहे हैं? हम आपको बता देंगे तब, दे दीजिए. ऐसे कैसे नींद आती है आपको? ये भगवान, ये कौन देता है आपको? ये आटा है. आटा और क्या क्या है आपके पास? दाल है, आटा है, चावल है, आलू है, सब्जी. और अगर बारिश हुई तो फिर, अगर गीला हो गया तो? क्या भीगा हुआ अनाज खा जाएंगे? क्या करेंगे? नहीं है, अंदर पानी नहीं घुसता. आता है हल्का हल्का, हल्का होता है तब तक इधर उधर कुछ डाल देते हैं. धन्यवाद जी. साहब,
नहीं जी शुक्रिया। एक्चुअली हमको सफर लंबा है। अरे लंबा गाड़ी है क्या है? अरे नहीं, सड़क तो ऊपर खाबड़ है ना जो आप बनाने वाले हैं। नहीं हमारा तो कहने का फर्ज है भाई साहब, जब आप आए हैं उतना दूर से तकलीफ करके तो चाय बिस्कुट खा लीजिए, क्या है? हम बिस्किट खा लेंगे, चाय मत बनाइए। ठीक है, चलो चलिए ठीक है। इसमें सारा आपका खाना रहता है सप्लाई ट्रंक के अंदर। और इसका इंचार्ज कौन है सारे खाने का? कभी कभी ऐसा होता है कोई चोरी कर लेता है खाना, किसी को भूख लग रही है। नहीं नहीं क्या चोरी करे, वही एक अच्छा चल रहा है। चलिए थैंक यू वेरी मच बिस्किट के लिए, थैंक यू वेरी मच। और बिस्कुट खा लीजिए। अरे बस बस शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पानी पीजिए, अच्छा पानी है, ये बर्फ का पानी। बिस्किट और चाय हमारे लिए मामूली रोजमर्रा की चीज, लेकिन उनके लिए बेहद कीमती। इतनी बदहाली में रहने के बावजूद भी अपना राशन बांटने में उन्होंने पल भर की झिझक नहीं दिखाई। अगर दूसरी जगह है तो पहली सबसे ठंडी जगह कौन सी है? साइबेरिया, रशिया में। अच्छा अच्छा, मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और अभी ऑक्सीजन की कमी है, तो कृपया आप सांस लेते रहिए और बीच बीच में पानी पीते रहिए। पानी की बोतल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? और कैप्टन इधर उधर भागा दौड़ी ज्यादा नहीं करनी है, आराम से, ठीक है? राहुल को कम बोलना चाहिए। चताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी यार हम ठीक जगह पे तो आए हैं।
हाँ ये लिखा तो है होटल जोजीला यही है। हाँ हाँ राइट चलो चलो भाव इतना खतरनाक रास्ता था क्या चलाया आपने यार थैंक यू सीरियसली यार मुझे लगा था अब नीचे गए अब नीचे गए ये दूसरे जन्म के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर ये पांडुदा है लंबा एक्सपीरियंस है खतरनाक से खतरनाक रास्ते पे मक्खन की तरह गाड़ी निकालते अच्छा यार क्या चलाया यार ये लोग कब तक पहुंचेंगे पता नहीं यार रात हो रही है और फ्रेजर चला रहा है मुझे टेंशन हो रही है यार हेलो हाय मेरा नाम मेघा है मेरा नाम स्वरूप है स्वरूप नाइस टू मीट यू हाय स्वरूप मेरा नाम फैजल स्वरूप स्वरूप कहाँ से आ रहे हैं आप अभी मैं फिलहाल बैंगलोर से चला रहा हूँ पिछले 20 दिन में और अभी इधर द्रास पहुँचा हूँ कारगिल सेक्टर में नाइस तो आप यहाँ विजयपथ क्यों रुके वेल यू नो ये आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है तो व्हेन वी आर पासिंग दिस हाईवे उनका थोड़ा रेस्पेक्ट करना है इसलिए तो यहाँ यू केम टू पे योर रिस्पेक्ट यस एंड इट्स बीन 13 इयर्स सिंस द कारगिल वॉर इट वाज द सेम टाइम जून जुलाई जी या सो जस्ट केम टू सी द मेमोरियल ऑफ मनोज पांडे एंड ऑल ऑफ देम कैसा लगा आपको यहाँ वेल बहुत खुशी है इधर आके गर्व है एक्चुअली मोर देन खुशी टू सी दिस माउंटेन जिस पे पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया था और हमारे जवानों ने आधी रात को जैसे चढ़ के पूरा बंकर्स को हटा दिया उधर से सो बहुत गर्व है इंडियन आर्मी पे अभी आप क्या करते हैं अभी फिलहाल आई वर्क विद अ फ्रेंच कंपनी एज अ सीईओ वी आर कॉल्ड हमारा कंपनी का नाम कॉर्पोरेट पब्लिशिंग इंटरनेशनल है हम फिल्म फेयर जैसा मैगजीन्स के पब्लिशिंग करते हैं तो मैं उनके साथ सीईओ इंडिया आई वर्क विद देम कैसा लगता है जब आप देखते हो तिरंगे को ऐसे लहराते हुए सिर्फ तिरंगा नहीं जब थिएटर में भी नेशनल एंथम बजता है तो मैं अपना पॉपकॉर्न साइड में रख के आई ऑलवेज स्टैंड सो या आई रेस्पेक्ट द इंडियन नेशनल एंथम एस्पेशली द आर्मी या तो अभी तक आपने काफी इंडिया देख लिया है अपनी जर्नी में अपनी जर्नी में हाँ और वापस हम जाएंगे थ्रू मनाली टू ऋषिकेश वाराणसी कैलकाटा ओरिसा कोस्ट आंध्रा तमिलनाडु कन्याकुमारी टू बैंगलोर तो ये हमारा राइड का नाम है K2K कश्मीर टू कन्याकुमारी वाओ अभी तक जो आपने देखा कैसा लगा आपको अभी तक मैं फिलहाल 9 स्टेट से गुजरा हूँ कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान यूपी हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर और जो लोग रास्ते में मिले उनके बारे में जो आम आदमी ऑर्डिनरी पीपल whom you met ढाबे पे गए होंगे खाना खाया होगा वेल फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इंडिया में जहाँ भी इंडिया में जाओ कितना माइलेज मिलता है बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन अब बाइक चला के बैंगलोर से वाह सर बहुत अप्रिसिएशन मिलता है विच इज वेरी गुड एंड हेल्प भी करते हैं क्योंकि हम जब जाके कोई ढाबे या होटल में रुकते हैं फर्स्ट वो पानी लेके आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि थक के आए बाइक चला के आए तो वेरी नाइस पीपल ऑल ओवर इंडिया सो व्हाट इज दिस यू ऑल आर डूइंग यू जस्ट गोइंग ऑल ओवर इंडिया मेरा जो शो हमारा जो शो है वो उसका एम्फेसिस इंडिया के आम आदमी है लाइफ ऑफ द कॉमन मैन नो लाइफ ऑफ द कॉमन मैन एंड स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग अबाउट द कॉमन मैन तो हमारे जो शो के हीरो हीरोइंस हैं वो इंडिया के लोग हैं आम लोग ओके वेरी नाइस सिक ऑफ सीइंग ऑल दोस फेक पीपल ऑन टीवी या सो व्हाट डू यू फील अबाउट आपको क्या लगता है इस शो के बारे में I think it's really good. In fact, हम जब द्रास में लंच कर रहे थे so I was telling some friends of mine that maybe in 5 years, अगर मैं 100 crore बना लूँगा तो I will come to Jammu and Kashmir and do the upliftment. Maybe put up schools, hospitals. I mean, I'm not trying to sound good on camera, but it's the most beautiful state in India. And the inhumanity that has been given to the Kashmiri people is not justified. So, inshallah, someday. एक दिन में इतने सारे लोगों से मिलकर अच्छा लगा कुछ घूमने के मकसद से आए थे तो कुछ लोगों को यहां मजबूरी खींच लाई थी मगर सब मुसाफिर थे हमारी तरह
हमें वहाँ छाँव मिलेगी, रीत मिलेगी, रंग मिलेगी।